ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं हरिंदर सिंह गिल तो प्रोग्राम करंट अफेयर्स के यूके यूरोप और देश विदेश के स्रोतियां का स्वागत है। खबरों के उत्ते करांगे चर्चा, बड़ियां अहम खबरां लैके तुहाडे वास्ते हाज़र होए हां ते मेरे नाल साथ देणगे सीनियर पत्रकार सरदार जसबीर सिंह दी पट्टी। सो फतेह की सांझ पाउने हां, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो फिर तुहाडे तक पहुँचाने खबरां पट्टी साहब। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। पट्टी साहब, अज की सब तो पहली खबर सुखबीर बादल जी नवी SIT बनी आ उहदे सामने पेश होया। 4 घंटे लगातार पुछगिछ जी हुई आ, की निकलिया, की किया गया, की पुछया गया, कोई जानकारी हासिल हुई आ। ते उस तो बाद दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी श्रोमणी अकाली दल बादल दे वल्लों कीती गई आ, उहदे विच भी कुछ गल्लां कहियां गईयां ने। मैं चाहूँगा कि आपां दर्शकां दे नाल सांझियां करिए भी की हो रहा ते इह किन्ना क चिर इदां होएगा, क्योंकि SITयां बनी जांदियां ने, पुछगिछ होई जांदी आ ते किसी नतीजे ते अजे तक कोई भी नहीं पहुँच सकिया। जित्थों तक SIT दी गल है जी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। लेकिन पहले प्रधान जो लोग निरा ही कहते सुखबीर बादल सिंह विचों डाई छड्डे। जथेदार अकाल तखत नूं उत्थों बकायदा तौर ते एक हदायतनामा जारी करना पिया जी भी भाई वो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, उन्होंने ना सरदार सुखबीर सिंह बादल आ छोटा करके ना अखबारों वाल लिखण ते ना लोग उन्होंने ना लैण। लेकिन फिर भी उस हदायतनामे नूं बहुतिआं ने अपनाया नहीं। खैर असीं कहांगे भी ना पूरा लेना चाहिए जी, भावें वो माड़े हो चंगे हो, है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान। दूसरी जी जड़ी 1 जून 2015 में एक भीड़ जी चोरी हुई सी बरगाड़ी के गुरुद्वारे के विचों जी, 2 जून में उहदी जिहड़ी FIR लॉन्च की गई। FIR लॉन्च नहीं सिर्फ जिन्हों कहते हैं आप रपड़ दर्ज की गई जी। 12 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ उस भीड़ के ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ जी। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗ ਛੁੱਟਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ CBI ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ बकायदा तौर पर पंजाब के मुख मंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जदों अजे मुख्यमंत्री बनना सीगा जी, स्टेज के उत्ते गुटका फड़ के जुत्ती ला के हाथ धो के सत्कार तक श्री दमदमा साहिब मूँह करके कहा सी भी मैं चौंते नशा करूँगा तो इन्ने समय के मैं सर के बरगाड़ी के जोड़े दोषी फड़ के अंदर देऊँगा जी। लेकिन अज 4 हफ्ते नहीं 4.5 साल बीत गए, अजे तक वह कुछ बनया बिल्कुल। वो पहला तो अकालियों ने कमिशन बनाया, जस्टिस जोरा सिंह कमिशन बनाया जी जी जी। जे कमिशन बनाया तो घट्टो घट्ट उसका सत्कार कर लो ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਗੱਲ आई कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार बनी जी नशे नुशे खत्म तो की करने सीगे एक कांग्रेस जिहड़े 10 साल जिहड़े बैठे सी चुप करके झवियां लैले पैंदे सी कि साडी वारी कदों आऊगी लुट्टण दी उन्हां ने ना ते बरगाड़ी दा सब जिहड़ा सी इंसाफ दिता जी ना बहबल कलां ना कोटकपूरा दा सिर्फ लुट्टला शुरू करता जी जिहड़े लुटेरे लैंड माफिया सैंड माफिया सीगे उन्होंने सिर्फ अपनी दस्तारा बदलियां बाकी वह कुछ चलता रहा जी हुण सवाल यह पैदा होंदा भी जस्टिस रणजीत सिंह तो बाद एक जस्टिस जोरा सिंह तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिस रणजीत सिंह का क्वेश्चन मनाया उन्हें बकायदा तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग की ते जिहड़े जिहड़े गवाह पेश होए उन्होंने सारे को उन्होंने तुसीं अपने हत्थी लिख के दिओ उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी जी लोगों के दबाव पाने के उत्ते फिर 28 अगस्त 2018 को एक बुलाया गया सेशन बुलाया गया स्पैशल तो नवजोत सिंह सिद्धू ने झोली अड्ड के कहा कि कैप्टन साहब मेरी बेनती है इंसाफ झोली पा दे कैप्टन साहब ने कोई जवाब दिता जो जवाब नहीं दिता जस्टिस रणजीत सिंह क्वेश्चन बन गया जी ओदी रिपोर्ट आ गई वो भी ढट्ठे खुज पा दिता गया मुड़ के एक 5 मैंबरी सिट बना दी गई जी सिट ने जांच की ते 4 मैंबर उहदे भज गए जां भजा दिते गए एक मैंबर ने जांच की ते वो भी जांच जिहड़ी वो रद्द करवा दी गई हाई कोर्ट जाके जी कि जदों तुसीं अपना अटॉर्नी जनरल नहीं तुहाडा गया उत्थे तुहाडे प्रॉपरली प्रबंध नहीं कीते गए तो करनी शुरू ने अगले ने वड्डे वकील लिया कराई जी हुण जिहड़ी जांच अगली सिट बनी है उहदे विच पहला सरदार प्रकाश सिंह बादल तो पुछ पड़ताल की गई जी 200 के करीब गवाह कोल कीती गई हुण उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल जो सवाल से उन्हें दिते सी 82 सवाल लैके गए सी 40 सवाल दिते ते हर सवाल ते कहंदे जी बड़ा समा हो गया मैनू तो याद ही कोई नहीं किनू फोन कीता सी किहदा फोन आया सी हर गल ते ना कीती उन्होंने सुखबीर सिंह बादल गृह मंत्री सी जिहदे राज्य गोली चली जी उस टाइम ते कह रहा सुखबीर सिंह बादल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा इकबाल प्रीत सोते नूं एडीजीपी नूं नाल लैके पेसी बरगाड़ी मसला हल कर लिया 2 बंदे एक रुपिंदर सिंह दे दा भरा दोवां नूं कोट कोट एक दी रीढ़ हड्डी तोड़ दित्ती ते एक नूं अपास बना दित्ता जी अज भी विचारा एक बंदा जिहड़ा बैड ते पिया उहदा कहता जी ये बंदियां ने बेदबी की असी जिहड़ा सी मामला सॉल्व कर लिया लेकिन मैं बड़ा भावुक हो गया मैं नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़े अखबार भी सोता करनगे ते मैं नाड़ा सा मत्था टेकन चलिया जी जे उदों सॉल्व कर लिया सी ते हुण तुसीं ये बार बार क्यों इन्नी गल कहंदे हो भी जिन्हें भी बेदबी की आ उहदा कख ना रहे जी ते भाजी कख वाली ते गल शुरू हो गई तुसीं 25 साल का वायदा कीता सीगा ते 25 साल तो बेदबी तो बाद अज तक तुहाडा अकाली दल बाहर उठ ही नहीं सकिया लोक सभा तुहाडी मंदी हालत होई हुण अज फिर जिहड़ी पुछ पड़ताल होई आ जी अज उन्हां को 4 घंटे जिहड़ी नवीं सिट बनी आ उस सिट दे 2 मैंबरां ने RK अग्रवाल ते जिहड़े LK यादव सी उन्हां ने पुछ पड़ताल कीती भट्टी साहब एक गल मैं थोड़ी जी विच जोड़ दवां कि पुछगिछ जिहड़ी होई आ चलो होई आ वो तो होनी सी नवीं सिट बनी इन्हें दोबारा बुलाना सीगा पुछना सीगा पर जी प्रैस कॉन्फ्रेंस बाद अकाली दल करता है अपनी सफाई देने वास्ते इसकी जरूरत होंगी है जी प्रैस कॉन्फ्रेंस अज की गई कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम नहीं लिया गया सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम जो लिया गया सुनील जाखड़ भी टारगेट किया गया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम जो नहीं कितने नजर आया मैं उत्थे आ रहा जी हुण जदों सुखबीर सिंह बादल अंदरों आए ने मीडिया च विखाया गया जी हादसे अंदरों आए कहदा हादसा जी दसो जी बेदबी का हादसा वा कहदा हादसा तुहाडा बाद दे विच उन्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती अपनी गल पीती लेकिन उदों पहलां जिहड़े सिप्पा सलार सीगे चंदू माजरा ला लो भूंदड़ लै लो, चीमा लै लो, ढिलों लै लो, ये की कहते जी जो राहुल गांधी उत्ते स्क्रिप्ट लिख के दे रखे होंदा वो करी जाते पढ़ी जाते जी। ये दर्शन दसी कैप्टन अमरिंदर सिंह बरी तों किवें करता तुसी जी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। जे वो बोल दे तो तुसी चिक्का मार दे हो। बिल्कुल पट्टी साहब, पंजाब दे कहता प्रश्न करने वास्ते पंजाब दे लोकां नूं इंसाफ चाहीदा वा। लगातार ड्रामा हो रहा, लगातार बार बार सिट जिहड़ी ओ बन रही है, पुछगिछ हो रही है, इस विच समा बर्बाद कीता जा रहा। हुण पॉसिबिलिटी ये है जी जी आने वाले दिनां शायद वड्डे बादल कोई करी फिर पुछ पड़ताल कीती जावे जी। पहला ये क्यासरियां लईआं जैसी सरदार सुखबीर सिंह बादल जे अरेस्ट हो जाए तो मैं कहा सी अरेस्ट नहीं होएगी कि उन्हां अपने सिर ते कुछ नहीं लैणा जी। जे इन्हों ने सहयोग ना दिता तो वह कोर्ट च लिख के दे देंगे भी सानू सहयोग नहीं दे रहा। कोर्ट की डायरेक्शन देती है भी गिरफ्तार करो या की डायरेक्शन देती पता। जे गिरफ्तारी के एक बार ऑर्डर आ गए तो फिर तुहानू पता गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी होंदी है जी। जिहड़ा बिक्रम सिंह मजीठिया उहदा सारथी बनिया सुखबीर सिंह बादल दा, अज तो ड्राइवरों की कमी पै गई, इन्हां कोल ड्राइवर भी नहीं है। मेरा कहने तो भाव यह आ भी अकाली दल दोषी है, अपने दोष मुक्त नहीं हो सकता। इन्हों को पौने दो साल है, पौने दो साल इन्होंने की किया उसकी जनतक अपनी रिपोर्ट कर देन। जदों बरगाड़ी पिंड की तलाशी ली गई आ, अद्धे पिंड की तलाशी लैके रोकी किने, किहदा फोन आया उसदे बारे दस देन। इस करके दोषियों की कतार च ये आप खड़े होंदे जा रहे हैं जी। जां ते कहंदे जी सानू विश्वास है, कोर्ट ते विश्वास है, सिट ते विश्वास है, जो करेगी ठीक करेगी। तुसी प्रेस करके साहब ते की करना चाहुंदे? बिल्कुल पटी साहब, तुसी गल बिक्रम मजीठिया दी कीती, बिक्रम मजीठिया दे नाल संबंधित एक गल जिहड़ी आ ओह वी आपां लै लईए नाल ही। बिक्रम मजीठिया ने पिछले दिनां च प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कुमार विजय प्रताप सिंह के उत्ते सवाल उठाए कि उन्होंने गिची तो फड़ के असी जेल के अंदर जो सुट्टांगे, कई मुकदमे जोड़े आने है साढ़े कोल जोड़े असी कढ़ांगे जो साडी सरकार जी आएगी। सो इस तरह दी गल्लां कीतियां जा रही हैं क्योंकि कुमार विजय प्रताप सिंह भी पहले जी सिट सीगी उहदा हिस्सा रहे आ। उन्होंने बड़ी जी बरीकी दे नाल जांच जी करके सरकार तक जी पहुँचाई सी, चाहे उसका नतीजा जड़ा चाहे कुछ नहीं निकलिया। तो हुण वह अस्तीफा दे के अपने अहुदे तो आम आदमी पार्टी के जदों दे शामिल होए आ, तो उदों दा ये कहा जा रहा है कि हाँ जी ये तो गल आ सीगी, विचों ये तो जानबुझ के साडे उत्ते चिकड़ सुटिया जा रहा। पहली गल तो अस्तीफा देना भी उसका डेमोक्रेटिक राइट जी, इलैक्शन लड़ना भी उसका डेमोक्रेटिक राइट जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ जे टिप्पणी करिए ठीक नहीं, लेकिन जे ये कहना भी साड़ी सरकार आऊगी तो असी गिचियों फड़ के जेल सुट्टांगे जी, इत्ते 2000 परचे दर्ज कर देंगे। वो भाई काहदे परचे दर्ज करोगे तुसीं? पता उस व्यक्ति ने पड़ताल की तो बिक्रम सिंह मजीठिया ये जरूर दस दे भी तुसीं मंत्री भी रहे हो अकाली सरकार च, संतरी भी रहे हो, तुसीं MLA भी रहे हो, तो होर अहुदे ते अकाली दल च भी रहे हो। ये दस दो भी तुहाडे राज दे विच कुंवर विजय प्रताप नूं जिहड़े वड्डे अहुदे ते किहने लाया सी जी? तुहानूं उदों नहीं पता लगा बंदा चंगा नहीं? तुहाडे राज च ओह SP भी रहा, तुहाडे राज च ओह SSP भी रहा, तुहाडे राज च ओह DIG भी रहा, तुहाडे राज च ओह IG भी रहा जी। उदों चेता नहीं आया भी माड़ा बंदा वा? उदों तुसीं उहदे कनी जिहड़ियां दी परतां खोलियां भी माड़े काम करदा वा जी। उदों तुसीं जिम्मेवार उहदे ते ला छड्डिया उहनूं, उदों चंगा सी अज माड़ा हो गया। मैं तो ये गल कहूँगा भी सुखमर सिंह बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़ा ना अंदरों घबराया होया पिया जी। घबराहट दे विच गल्लां कर रहा। अकाली तुसीं वेखो जिन्ने भी अपने आप नूं कहिंदे सी ऑफेंसिव हो रहे आ, लेकिन डिफेंसिव होण दी कोशिश कर रहे आ। चेहरिਆਂ ते पलत्तन पई जी कि पता नहीं की बनना की नहीं बनना। अज की डेट के विच वेखो मेशंदर गरेवाल ने वेख्या किते, मैं उत्थे अज उत्थे तोता सिंह ने वेख्या किते। वड्डे बादल की पुछ पड़ताल होण लगी तो वड्डे वड्डे लीडरां दे बयान आए। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਤੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, अगली गल करिए सुच्चा सिंह लंगाह दी। सुच्चा सिंह लंगाह ने भी जड़ा आ वो दोबारा एक बार अकाल तखत के जथेदार नूं कहा कि मैनूं माफ़ी दिती जावे ते लगातार अकाल तखत दे सन्मुख बैठ के जड़ा आ वो पाठ भी किया जा रहा वा, क्योंकि मैं कई बार जड़ा उत्थों जदों गया मत्था टेकन तां उत्थे दोपहर के टाइम के उत्ते ਸੁੱਚਾ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ। करीब 25 साल तो वध समा वो जिला गुरदासपुर के अकाली दल के जिला जथेदार रहे ने जी, मतलब जिला प्रधान रहे ने। उतो वो MLA भी बने तो मंत्री भी बने, लेकिन MLA मंत्री बन तो बाद भी उन्होंने कारोबार जोड़े सी कोई बहुत सुचज्जे नहीं सी जी, कोई सुच्चे नहीं से। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ दे ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ BC ਆ। BC ਹੁੰਦਾ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ BC ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ 1994-95 ਤੋਂ ਜੀ इन्हों की मुड़ के थोड़ी बड़ी सुनवाई होगी तो यह मुड़ के MLA बन गए, मंत्री बन गए, तो मुड़ के इन्हों पर जी सी फोटो लगी सी जां उत्थे ऊड़ा एड़ा जी असी कैटागरी उस परसनल फाइल च लैंदा जी। परसनल फाइल विच हर साल लिखा जाता, जदों थाणे का मुलाजा होंदा वा लिखा जाता जी वो बंदा अजकल बिल्कुल छांता, कोई माड़ा धंधा नहीं करता तो चंडीगढ़ रहिंदा। तो ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ने काम ही बड़े सुच्चे किए। श्रोमणी कमेटी का मैंबर होवे, पंजाब का मंत्री होवे, पंजाब विधान सभा च मैंबर होवे ते अकाली दल दा जिला जथेदार होवे तो ओदी 28 सितंबर 2017 नूं एक जिहड़ी अश्लील वीडियो जिहड़ी वो वायरल हुंदी है। वो वायरल इन्नी ज़्यादा हो जाती, इन्ना रौला पै जाता, अकाली दल सख्ते जाता तो अकाली दल जथेदार अकाल तखत नूं कहंदा वेला नूं वेखो कवेला नूं वेखो, इमीडिएटली मीटिंग कॉल करके इहनूं 500 छेक दिओ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ नूं 500 छेक दिता जाता जी। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ बड़े तरले लैंदा वा ते जदों ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ जाके थाणे 'च पेश हुंदे ने ते अदालत 'च पेशी हुंदी आ ते साडे जिहड़े इन्ने सुलखणे बंदे ने ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ दे वर्कर वो नारे की मारदे ने, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के। बकायदा तोड़े वो भी वीडियो वायरल रही जी जी भी किहड़े बंदे ने जे इह निकल कहण वाले कोड़ी ते बिठा के लिआए, बिल्कुल बड़ा तगड़ा काम कीता इन्हां ने। इस करके ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ दी जिहड़ी गल आ उदों तो छेकिया होया, उहने बड़े तरले लाए। बकायदा तौर पर तू पता होएगा भी पहला उन्हें अदालत चो बरी होया, वो कुड़ी ने कह दिता। बेसिकली वो कुड़ी एदी बेटी दी फ्रेंड सी जी, एदे कोले किसी काम आई सी, इन्हें ओदी जायदाद ते कब्जा कर लिया, दा प्लाट बेचता, सब कुछ बेचता जी। वो बेचण तो बाद हुण ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ जिहड़ा सीगा वो कुड़ी ने कहा मेरा कुछ दे वापस। अकाली सरकार तो जी पेश नहीं गई, जदों फिर कांग्रेस सरकार आई तो उन्हें उच्च अधिकारियों ने गल की तो उन्हें फिर वीडियो बना के वायरल किए। तो वायरल करने तो बाद जो मुड़ के वो कुड़ी का समझौता होया, उन्हें कहता जी वो वीडियो च मैं नहीं। हुण ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ दसे फिर कौन सी, जो उन्हें कहता मैं नहीं तो फिर ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ बरी हो गए। अकाल तखत नूं की कहिंदे तुसीं मैनूं 500 छक्या ना, मैनूं अदालत ने बरी करता, तुसीं बरी करो। ज्ञानी गुरबजन सिंह कहंदे रख दे पासे दी एप्लीकेशन। दूजी एप्लीकेशन आती है भी जे मेरे तो कोई जाने जाने गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहना, फिर एप्लीकेशन पास चल जाती है। तीजी एप्लीकेशन ते बकायदा तौर ते यह मानदा भी मेरे तो गलती हुई है, मैं गलती की है, मैनू जी माफ़ी दी जाए। चलो जी विचार चर्चा शुरू होगी। हुण अज की डेट दे अकाली सुप्रीमो जो सुच्चा सिंह लंगाह के हक च नहीं खड़े। सुच्चा सिंह लंगाह के मुड़ के माता पिता आए 90-90 साल की उम्र उन्होंने, उन्होंने कहा जी असीं सख्ते च साड़ी पता नहीं एक साल दूजा आने को जी साड़ी उम्र हैगी आ, साडे बेटे नूं तुसीं पंचों चेकिया, लोग सानूं नफरत करते हैं, असीं तुहानूं बेनती करदे उन्हें गलती कीती, उहनूं जो तनख्वाह लाओगे वो भुगतेगा, मेहरबानी करके जिहड़ी साडे जिउंदियां जिउंदियां उहदी माफ़ी दित्ती जावे ते पंथ छवन कीता जावे कि साडा परिवार पछोकड़ लम्बे सोध पंथक जी। हुण सुच्चा सिंह लंगाह ने की कीता? सुच्चा सिंह लंगाह नूं किसी ने कहता भाई तू गुरु पातशाह दे दरबार जा, हरबंस दे दरबार जा। तुहानूं पता होएगा गिल साहब एक भाई अदली होए जी, भाई अदली के पिछोकड़ थोड़ा जि मैं जाऊँ साखें जो कहदियाँ। भाई अदली का गुरुद्वारा जोड़ा वा वो चोला साहब जी, तो भाई अदली जी सी इन्नी भगती की सी भी जी गल जबान चो कढ़ते सी पूरी हो जाती सी। इन्ने हंकार च आ गए भी लो जी मेरे तो वड्डी ताकत ही किसी नहीं हैगी। उन्होंने अपने चेलियां नूं कहा जी फलाने दिन आपां इस तों परलोक सधारांगे, सचखंड जावांगे, घोड़े समेत जावांगे जी। कहिंदे ने भाई अदली जी घोड़े ते चढ़े ने, संगत वड्डी गिनती च इकट्ठी हुई है ते आकाश च उड़ गए ने, उड़ते उड़ते वेंदे वेंदे आकाश चो गायब हो गए ने, पता नहीं कितने कितने नहीं। संगतां च बड़ी श्रद्धा सी। अगे जाके घोड़ा रुक गया, जदों घोड़ा रुक गया अंतर ध्यान वेख्या तो मेरी शक्ति खत्म हो गई, ना अगे जोगा ना पिछे जोगा। फिर अपने गुरु नूं ते वो कह लगे भी भाई तू गलती बड़ी बलंडर कीती, इहदी कोई माफ़ी नहीं हैगी, जिथे टंगिया टंगिया रहो। वो कहते महाराज हल दसो कोई। वो कहते नानक पातशाह की छेवें नानक गुरु हरगोबिंद साहब बैठे आ ते नानक दुनिया में इको गद्दी है नानक पातशाह की जिहड़े तेरा बेड़ा बने ला सकती जी। ते बाबा बिधि चंद जिहड़ा सी भाई अदली का बचपन का दोस्त सी जी। वो मुड़ के उन्होंने रात सुपने च मिलते भी मेथों आ गलती हुई है बाबा बिधि चंद जी, तो मेरा भला करो। अगले दिन दरबार सजदा वा। बिधि बाबा बिधि चंद ने जी सेवा से जोड़िया की वह मंग के ली सी गुरु साहब को, मैं जोड़े की सेवा दो, मैं गोड़े जोड़े झाड़ूंगा संगतां जी। जदों दरबार लगा तो बाद च कहा जी हुण दसो कोई फरियादी है, तो पिछले पासे भाई बिधि चंद सीगा गल च जूरिया पाया, हथ जोड़े तो अखां चों नीर वग रहा। गुरु साहब दूरों कहंदे वे भाई बिधि चंदा ਜਿਹੜੀ फरियाद तू लैके आए वह प्रवान नहीं बनी, तेरे यार ने बड़ी वड्डी गलती की है। वो तो कितने पीर पैगंबर ने नहीं की, एडे वड्डे पैगंबर होए इत्थे, उन्हें किवें कर लिया, उन्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। संगतां कहिंदियां गुरु साहब की कहानियां भाई सानूं दसो। वो कहंदे पुछो भाई अदली नूं। भाई अदली के नहीं भाई सॉरी भाई बिधि चंद नूं। भाई बिधि चंद दा महाराज तुहानूं आप ही पता, तुसीं आप ही दस दिओ। तो गुरु साहब ने जी रात सुपना आया से सारा सुनाता भी ए बंदे की करतूजे दजार दी। फिर संगतां ने फरियाद की महाराज जे कोई चल के आ गया तो जी सुनो, तुसी कुल दुनिया के वाली सुनो वधी। तो फिर संगतां दे कहण ते गुरु साहब ने कहा सी जा तेरे यार दा बेड़ा जबने लगूगा, सचखंड उहदी आत्मा जाऊगी, घोड़ा तो फिर उहदा शरीर नहीं जाऊगा, वो बाहर ही रहूगा। शायद ये साखी सुख सुन ली होनी किते सुच्चा सिंह लंगाह ने। उन्होंने दरबार साहब आना, मत्था टेकना, अकाल तखत ते बैठ के घंटा घंटा पाठ करना, फिर अरदास करनी। अरदास करते करते 72 दिन हो गए उन्होंने, कल 72 दिन हो गए सी करदे नूं। कल पुछ रहा मीडिया वालों की दसो जी की चाहुंदे हो तुसीं हुण। वो कहिंदे जी मैं जथेदार साहब नूं सुनिया सी, जथेदार साहब ने 2 दिन लगातार मंजी साहब तो कथा की, उस कथा दे विच उन्हें इन्नी गल कही है भी ये बख्शेंद तख्त अकाल तखत जिहड़ा भी शरण आंदा वो इत्थों खाली नहीं मुड़दा। तो मैं भी इसे शरण च आया, मैं इसे तखत दे विचों कौमी गलती कीती सी बूटा सिंह नूं माफ़ी मिली, कौमी गलती कीती सी सरजीत सिंह बरनाले उन्होंने माफ़ी मिली, ज्ञानी जैल सिंह माफ़ी मिली जी तो मैं फरियाद करता जहदार साहब वाले भी मेरी भी फरियाद सुनो तो मैंने माफ़ी दी जाए ताकि मैं भी रस पे नहीं जिंदगी जी सका। जी भट्ट साहब एक सवाल है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच अविनाशी सिंह जिहड़े होए आ उन्हां दे परिवार ने भी नौकरी मंगी है, नौकरियां नूं लैके बड़ा चक्कर पिछले दिनों के पिया रहा। सरकार के अंदर भी दो मंत्रियों के बेटियां नूं नौकरी जिहड़ी दित्ती गई सी चाहे उन्होंने मना तो कर दी आ पर होर बहुत सारे इस तरह के परिवार जोड़े उठ रहे आ जिन्होंने नौकरियों की मांग की है कि सानू भी नौकरी जी दी जाए। जदों तो दो विधायकों के बच्चों नौकरी की गल की गई है जी उदों तो ये मांग उठनी शुरू होगी भी सानू भी नौकरी दी जाए। ये अविनाशी सिंह जोड़े आ श्रोमणी कमेटी के असिस्टेंट सैकटरी होंदे सी जी, जहदर गुरचरण सिंह तोड़ा के पीए होंदे सी, बड़े तेज तरार व्यक्ति से शायद 31 दिसंबर 1987 की गल एक कार च गए ने डॉ बलदेव सिंह बराड़ी जी, उस दिन तो बाद अज तक वापस नहीं आए जी, कोई पता नहीं लगा किथे किथे नहीं गए। सुन च आया सी भी जिहड़े मुंडे भटके हुंदे सी उहनां नूं ओह वापस मुख्य धारा शामिल करने लई अपनी कोशिश करदे सी जी। हो सकता किसी जथेबंदी ने कहा भी तुसीं कौन ने काम करन वाले तो उन्होंने गड्डी चाढ़ दिता होवे। बेटे गुरमीत सिंह ने इन्नी गल कही है भी अज तक साडे बापू के जाण तो बाद सानू कोई सहायता नहीं सरकारी मिली। मेरे दो बेटे ने जे किते विधायकों के बच्चों नूं नौकरियां मिल सकदियां तो साडे बच्चों नूं क्यों नहीं, सानू भी सरकारी नौकरी दी जावे जिहड़ियां सहूलतां दित्तियां जाण। दूजे पासे मैं विधायकों की गल दसदियां जी सरदार प्रकाश सिंह बादल जदों नायब तहसीलदार शायद SD भर्ती करो गए थे तो ज्ञानी करतार सिंह कह लगा इन्हों कहना काका तू बंदा बड़ा सियाणा लगता मैं पढ़िया लिखिया है तू ये भर्ती जो लगा नायब तहसीलदार की गल करता तू मेरी भर्ती करा दो तो जे तेन आप नायब तहसील भर्ती करवा बना दिए फिर कहते बना दो जी जी। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल कहते भी उन्हें मैं नायब तहसीलदार भर्ती करने की पावर देती मैनू मुख्य मंत्री बनाता मैं विधायक बनाता इस करके विधायकों को तो जो नायब तहसीलदार भर्ती करने की अपनी पावर देती तो अपने बच्चों को भर्ती करते फिरते उत्थे इस करके जी गुरमीत सिंह ने मंग की वो मंग भी जायज़ जी। भट्टी साहब अपने को समा थोड़ा आया मैं लास्ट के उत्ते एक सवाल होर लैना कि तरन तारण की दर्शनी ढोड़ी जी हनेरे ढाई गई सी बड़ा वड्डा मामला जोड़ा उभर के समुचे विश्व भर के वसदिया संगतां के सामने आया सीगा उसकी सेवा कहिंदे कि दोबारा जी आ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਗੰਦ ਹੁੰਜਣਾ ਤੇ ਗੰਦ ਹੁੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤਰਦਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। बाबा जगतार सिंह ने कार सेवा ने रात के अंधेरे जदों पुरानी साड़ी इतिहासिक दर्शनी ढोड़ी जिन्होंने कुछ होया नहीं सी जी वो ढाउन लगे संगत इकट्ठी हो गई उत्तों गुंबद जे ढाए सीगे ते संगतां ने बंद कराती आके बड़ी चर्चा हुई। अज मैनू नहीं पता कहिंदे भी बाबा जगतार सिंह जिहड़ा वा ओह नीम पागल हो गया मैनू नहीं पता कहिंदे लोग मैं वेखिया जाके उन्होंने ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢਾਈ ਗਈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਕੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਬਡਾਲਾ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਖਬਰਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।